Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome to another vlog. आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं विद द वन एंड ओनली द ग्रेट शेरोज़ खालिद टूरिज्म डिपार्टमेंट. तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग भी बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे, इनकी तरह होंगे आप और लिविंग योर लाइफ, चेसिंग योर ड्रीम, लिविंग द गोल विच यू गाइस आर लिविंग. एंड जुम्मा निकल रहा है. हाँ, हम जुम्मे के लिए जा रहे हैं. नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और शेरोज़ खालिद इस वक्त मौजूद हैं. हम लोग डबल ए का वेट कर रहे हैं, हम फिर जुम्मे पे जाएंगे. और नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स की टेंशन क्या होती है. क्या वो होती है जब आप पढ़ रहे हो और आपको पता भी ना हो सुबह जुम्मा. बिल्कुल, देखिए पढ़ाई में सब मगन है, जैसे कि आप देख रहे हैं. देखिए बारिश हो रही है, बरसात हो रही है और सब पढ़ाई में मगन है. रोडें खाली हैं, कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, किसी को पता ही नहीं है कि आज जुम्मा भी है. मतलब लोग पढ़ाई में ऐसे गुम हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि जुम्मा भी है. आप 12 बज के और ये मेरे ख्याल से डबल ए आ गए अब्दुल्ला अमजद नज़र आ रहे हैं जैसे कि आपको वहाँ पर. तो एग्ज़ाम्स की टेंशन इज़ अ बिग थिंग. अभी हम जुम्मे पर जा रहे हैं तो जुम्मे के लिए लेट हो रहे हैं और ये आए हमारे ड्राइवर अब्दुल्ला. चलिए चलिए. Gas cooled down and started forming clusters of stars that we begin swarming. Star chemical chain, they read it like a clock, and if you can tell time, it's a beautiful thing to watch. By measuring the brightness of a star according to the hydrogen burning in the core, you see the. हम जैसे कि नमाज के लिए जा रहे हैं और बड़ा रश है, रोड पे बारिश भी बहुत हो रही है और बस हमारा जुम्मा निकले ना निकले. और शेरोज़ खालिद, आप बताएं एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? जुम्मा निकल जाएगा. हाँ बिल्कुल सही बात है. एग्जाम्स की जो टेंशन होती है वो कोई मामूली चीज़ नहीं होती. और सामने वाइपर भी नहीं चल रहा. कुछ नहीं दिख रहा ना भी. चला है थोड़ा बहुत चला वाइपर. मैं यही कह रहा था, एग्जाम की टेंशन में इंसान भूल जाता है कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है. भूखा नंगा सो रहा होता है. पैसा नहीं तो ये टेंशन तो हम लेते ही नहीं. बिल्कुल. और जैसे कि आप उसकी शर्ट देखें ना, उसकी शर्ट इस्त्री नहीं हुई, वो इस वजह से कि क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस्त्री नहीं है. जान के नहीं कर रहे. आप हम हाँ, जैसे कि आप देखें हमारे आगे ट्रक आ गए. ये सारे काफिर हैं, ये हमें जुम्मे से दूर रखना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, शेरोज़ खालिद कह रहे हैं. एंड आई एग्री विद. चल ले भाई. और सर्दियों में ये जो नाक लाल हो जाती है ना, ये भी बहुत मसला होता है. लोग देख के बोलते पता नहीं नाक क्यों लाल हुई है बंदे की. सर्दियों की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है शेरोज़ खालिद? सर्दी. क्या बात. और उसमें गरम गरम कॉफ़ी. क्यों डबल ए? बिल्कुल. और लास्ट ब्लॉक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो गाड़ी में रख के हमने वीडियो बनाई थी उसमें खिड़कियाँ खुली हुई थी, जिसकी वजह से आवाज़ का इंटरप्शन हवा. मेरे ख्याल से आप लोगों को सऊद आज़म का मुजरा बहुत पसंद आया होगा. शेरोज़ खालिद, आपके अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है? मुझे जुम्मे की टेंशन. हाँ सही बात है. जुम्मा जुम्मे की टेंशन. मेरा 7 तारीख को पेपर है. मेरा भी शायद 6 या 7. क्या बात है. और डबल ए आपका? 9 तारीख को है. क्या जैसे कि आप देख रहे हैं साइप्रस के मुजाफी इलाका में इस वक्त बारिश हो रही है और जुम्मे के लिए हम लेट हो रहे हैं और हो चुके हैं बल्कि काफ़ी लेट हो गए. और आज की मुझे व्लॉग बनानी है. मोटिवेशन ऐसे चला रहे हैं जैसे इनकी कोई लैम्बोर्गिनी हो जो नीचे लग जाए. और ये देखिए लैम्बोर्गिनी कितनी साफ. करोला उसने देखने तुमने जमा पढ़ना है नहीं तो हमें जाने दो. वो जाने दे. ये देखिए इनकी लैम्बोर्गिनी कितनी सुस्त तरीके से निकाल की जो है. लैम्बोर्गिनी ये लैम्बोर्गिनी में सर ठंडे हो जाए वजू में. सर जुमा पढ़ना है. सर 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 अरे भाई भाई. तो जैसे कि आप देख रहे हैं शेरोज़ खालिद बहुत जल्दी में जुमा के नाज़रीन जुमा निकल गया. मैं इस वक्त नींद में. हम लोग काम. हाँ वो नींद में क्योंकि उसका पेपर था. आप बताएंगे नींद में क्यों है? उसका पेपर था. मैं नाज़रीन सारी रात जागा हूँ पढ़ने के लिए और कल रात मैंने पूरी जर्मन जो है सीखी है, रिवाइज नहीं की है. जर्मन में कुछ कहिए व्यूअर्स को. ये जर्मन में हंस रहे हैं जैसे आप. एग्जाम दे के इंसान भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा था. नाज़रीन जर्मन छोड़े मैं आपको पॉलिश सिखाता हूँ. पॉलिश में हेलो को कहते हैं अहोय. अहोय अहोय अहोय. यस ब्रो.
और ईरानी में ईरानी में कहते हैं चितोरे चितोरे चितोरे. ये तूने कौन सी जबान बोली थी? शलोम. हाँ ईरानी कहते हैं. शलोम का क्या मतलब होता है? सलाम करते हैं बस. ओ चितोरे. और चितोरे हाउ आर यू? लेकिन मतलब सिखाते हम इंटरनेशनल चीजें हैं जो रابطे में रابطे रहे. एजुकेशन विद नजम. क्या क्या जुम्मा निकल जाएगा. जुम्मा ने मुझे लगता है निकल गया. गया इस सब दुनिया में इन्होंने इसी वक्त रश करना था. मुझे लगता है इस व्लॉग का थंबनेल होगा जुम्मा मिस्ड. वैसे मस्जिद का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा खूबसूरत था. टिल द नेक्स्ट व्लॉग, पीस आउट.